हेलो, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सभी भाई खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई आज फिर तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं एक कबूतर की ट्रेनिंग के लिए वीडियो। बात तो सही है। फिर से मैं कबूतर ट्रेन करके दिखाऊंगा। मैंने चार कबूतर ट्रेन किए हैं जिनका नाम मैंने अलग अलग रखा है। तो चार कबूतर से आपको मिलवाने वाला हूँ और किस तरीके से वो मेरा कहना मानते हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी बच्चे हैं छोटे, तो कितना बड़ा बच्चा लेना है मैं अभी लेकर के आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पहले लेकर के आते हैं छोटा वाला बच्चा। कितना बड़ा बच्चा लेना है, कितने दिन का होगा, सब आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं। तो भाई पहले ऊपर से ले आते हैं हम एक छोटा वाला बच्चा कबूतर का, क्योंकि अभी हमारे कबूतरों के उसमें कमरे में दो ही बच्चे हैं छोटे, तो एक बच्चा लेकर के आते हैं। ये अपने कबूतर हैं भाई, कबूतर बताइए कमेंट में कैसे हैं। ये है अपने कबूतर, मजा आया। ये तो आपको कबूतरों से मिलवा दिया है मैंने। ये अपने कबूतर, ये इस कमरे में पलते हैं भाई। ये चलते हैं अंदर, देखते हैं कबूतर का बच्चा लाते हैं अंदर से। तो भाई ये दो बच्चे हैं हमारे, अभी लॉफ्ट में और बच्चे नहीं हैं, तो इन बच्चों में से एक बच्चे को ले लेते हैं। तो भाई ये बच्चा ले लिया मैंने, ये समथिंग 10 से 12 दिन का, 15 दिन का बच्चा है। और ये कबूतर है, ये वाइट वाले कबूतर के बच्चा है। तो चलते हैं नीचे को जाकर दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि गाइस, कबूतर को ट्रेन करने के लिए हमें दो चीजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात ये है सिरंज, ये हम 20 ml की सिरंज ले लेंगे। और ये भीगे हुए चने, इनको ट्रेनिंग के लिए इन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करनी है बच्चों की। तो ये चने लेने हैं भिगोने, और इनको भिगो के रखना है, सुबह को खिलाने हैं, मतलब सुबह को भूंगे शाम को खिलाने हैं। तो थोड़े से चने लेने, और ये 10 से 12 दिन का बच्चा है। सबसे पहली बार आप जब इसको लोगे तो ये बच्चा दाना अपने आराम से नहीं खाएगा, पर इसे दो तीन दिन आप जब दाना दोगे तो ये आपसे दाना खुद मांगेगा। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से दूसरा कबूतर ट्रेंड हो गया है, वो हमसे दाना मांगता है। अभी तो फिलहाल ये पहली बार लेकर के आया हूँ, 15 दिन का बच्चा है, इसको हम दाना देंगे अपने हाथ से। इस तरीके से दाना देना है, ऐसे इसकी चोंच फैलानी है और इस तरीके से इसकी चोंच में दाने को डालना, ऐसे एक एक दो दो करके। इसका नाम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम जब रख के आप दाना दोगे तो इसी नाम से आएगा, भूरा अबड़ेले भूरा भूरा भूरा। इस तरीके से दाना खा रहा है, आपको 4-5 दिन इसको दाना देना है। जब 4-5 दिन ये दाना खाएगा तो आप सब खुद मांगने आपके पास में आया करेगा, भाग भाग क्या। तो जैसे कि मैं छोटे वाले बच्चे को दाना देना सिखाया आपको किस तरीके से दाना देना है, तो दाना देकर के हमें जो कबूतर को तुम 4-5 दिन दाना दोगे तो वो कबूतर आपका आपसे दाना मांगने लगेगा 4-5 दिन बाद। अभी स्टार्टिंग में नहीं मांगेगा, मैं अभी तुम्हें दूसरा कबूतर दिखाता हूँ किस तरीके से वो आपके पास को आएगा और किस तरीके से आपको छोटे कबूतर की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो चलती मैं पहले अपना छोटा कबूतर ले लेता हूँ, जिसको मैंने 4-5-6 दिन 8-10 दिन जो दाना दिया है वो ले लेता हूँ कबूतर, उसको दिखाता हूँ किस तरीके से बोलना है। तो चलते हैं, ये मेरे चार कबूतर है, वो इनके नाम भी बताऊंगा, इनको दिखाऊंगा किस तरीके से ये ट्रेंड हो चुके हैं। तो ये मैंने अलग अलग रखने, आपको अलग अलग पालने, तो इनको अभी मैं फिलहाल एक ही जगह ले आया हूँ। तो अभी इनमें से फिर तुम्हें एक कबूतर को दिखाऊंगा तैयार करके। जैसे कि दोस्तों मैं छोटा वाला बच्चा ले लेता हूँ अपना, ये देखो दाना मांग रहा है ये छोटा वाला बच्चा। ये मेरा हो गया 20 से 25 दिन का बच्चा, इसकी मैंने 10-12 दिन ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग इस तरीके से करी, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि उस बच्चे की मैंने बताया आपको दाना देना है, और 10-12 दिन आप दाना दोगे, 4-5 दिन दाना दोगे, तो इस तरीके से दाना मांगने लगे आपने आप गोल्डी आप गोल्डी। तो ये इस तरीके से दाना मांग रहा है मुझसे, मैं इसको दाना देता हूँ। ये देखो जहां भी मैं जाऊंगा ये बच्चा उधर ही आएगा, इस तरीके से बचपन से इसकी ट्रेनिंग करती है। जब ये बड़ा हो जाए तो मैं बड़ा कबूतर बताऊंगा किस तरीके से हमारे पास उड़ के आएगा। तो ये अभी मुझसे दाना मांग रहा है, गोल्डी कबूतर, इसका नाम है गोल्डी। तो इसको दाना देता हूँ, देखो दाना मांगता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है अभी आपको बता देता हूँ। तो भाई ले आया हूँ मैं चने, इसको चने देता हूँ और इसकी ट्रेनिंग बतानी है किस तरीके से करनी है। ये मैंने चने ले लिया बेटा, हाँ गोल्डी हाँ। तो ये इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास, इसको दो चने दे देने, दो गोल्डी इसको चने दे दिए, उसको फिर से यहाँ पे छोड़ना है। तो इसको इस तरीके से दाने देने, इसको दो चार दाने देने हैं अभी फिलहाल में, आउटे गोल्डी गोल्डी ये दो दाने दे दिए, इसको फिर वहां भी छोड़ना है, इसको फिर अपने पास को बुलाना है, अबड़े अबड़े गोल्डी। इसको ऐसे 20-25 बार रोज डेली तुम्हें सुबह को और शाम को बुलाना है, दाने देने, इस तरीके से दाना देना है इसको। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पास उड़ के आएगा। तो गाइस मैंने जैसे इसको दाना देना सिखाया, इसको 10-12 बार इसको अपने पास को बुलाना दाने देने के लिए पर डे, सुबह और शाम तुम्हें खोलना और अकेला कबूतर पालना पिंजरे में बंद करके। तो मैं इसको पानी देने का और तरीका बता दूं, सिरिंज में पानी भरना है, उसको रखना है नीचे, और अबड़िया गोल्डी दे
इसको पानी इसकी चोट मिला के इस तरीके से कम से कम 15 से 20 ml पानी पिलाना। तो भाई जैसे कि छोटे कबूतर की मैंने आपको ट्रेनिंग करके दिखाई, 10-20-25 बार इसको रोज बुला बुला कर अपने पास दाना देना है। अब ये बड़े कबूतर जब आपके इतने बड़े हो जाएं, इतने बड़े ये मेरे 3 है, तो इनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, इनकी ट्रेनिंग में तो मैं बाहर दिखाता हूँ, चल के बाहर जाके दिखाता हूँ रोड पे। तो चलते हैं इनकी ट्रेनिंग करके दिखाता हूँ इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है। तो भाई जैसे कि जब तुम्हारा कबूतर इतना बड़ा हो जाए लमसम 1.5 महीने का 1 महीने का, तो इसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसे दूर रखा हूँ, अपने पास बुलाऊंगा नाम लेके, ये मेरे पास आता है नहीं आता, तो चलते हैं आगे रख जाता हूँ। तो भाई ये इतनी दूर रख दिया कबूतर, इसको बुलाता हूँ अपने पास को। अब आ आ सुल्तान आ। तो जैसे कि ये मेरे पास आ गया, मैं इसको 2-4 चने दूंगा और फिर इसको वहाँ पे फिर दोबारा रख जाऊंगा। तो इसको चने दे देने से फिर इसको रख के आना दूर और फिर इसकी ट्रेनिंग करनी है। इसकी भी 20-25 बार पर डे करनी है ऐसी। तो चलते इसको फिर से रखते हैं, फिर तो बुलाता हूँ उससे अपने पास को। अबड़े आ लाला लाला आ। तो जैसे ये फिर से आ गया, इसकी 20-25 बार पर डे करनी है सुबह और शाम। तो इस तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हो। जब ये अभी 2-4 दिन बाद इसको हम बाइक से उड़ा के दिखाएंगे आपको। तो भाई ये भूरा कबूतर की भी ट्रेनिंग करके दिखाता हूँ। भूरा को रख जाता हूँ ऊपर से और देखते हैं ये कैसा रैक कौन देता। अब ले आओ आओ, ये देखो गाइस ये भी तैयार ही है बिल्कुल। 2-4 दिन में उड़ने लगेगा, इसको दाने देते हैं और उसका दान देने के बाद फिर से रख के आता हूँ। अभी दाने खुद ही खा रहे, इन्हें खा नहीं रहे, मतलब खिलाने पड़ते हैं अभी भी। तो इसको फिर रख के आता हूँ, फिर देखते हैं। तो सही काम कर रहे हैं अभी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ट्रेनिंग की वीडियो देखते रहें बिल्डर वाइज वाइज यूट्यूब चैनल पर।